तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि येलो डॉलर को ग्रीन डॉलर में मैंने कैसे कन्वर्ट कराया, वो सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों मेरी एक वीडियो है जिसको मैंने खुद बनाया और उसको जैसे मैंने यूट्यूब पे उसको अपलोड किया, अपलोड करते ही उसको जैसे चेकिंग स्टार्ट हुआ, चेकिंग स्टार्ट कंप्लीट होने के बाद उस पर एड सुटेबिलिटी का ऑप्शन आ गया और उसपे येलो डॉलर लग गया। तो दोस्तों मैं काफी परेशान हुआ ये देख के कि भाई इस वीडियो को मैंने खुद बनाया है, खुद इस वीडियो को खुद बनाने के बाद भी इस पे येलो डॉलर क्यों आया। तो दोस्तों उस वीडियो को मैंने एक बार फिर से चेक किया कि उसमें मैंने किसी प्रकार का कॉपीराइट म्यूजिक, कॉपीराइट इमेज या कॉपीराइट फुटेज का मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी उस वीडियो पर एड सुटेबिलिटी या येलो डॉलर आ गया था। सब कुछ चेक करने के बाद जब सब कुछ बढ़िया रहा तो मैंने उस वीडियो को रिव्यू भेजा। रिव्यू भेजने के बाद दोस्तों उस वीडियो को YouTube ने येलो डॉलर हटा के उस वीडियो पे ग्रीन डॉलर लगा दिया, जिससे उस पे अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस वीडियो में किसी भी प्रकार के कॉपीराइट चीज का यूज किए हैं, कॉपीराइट इमेज हो या फुटेज है या म्यूजिक हो, कुछ भी अगर आपने यूज किया है, तो उस वीडियो को आप रिव्यू में कभी मत भेजना, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान है। इसलिए कभी भी वीडियो को रिव्यू में भेजने से पहले एक बार आप अपनी वीडियो को चेक कर ले कि वाकई में इसमें मैंने कुछ ऐसा यूज किया है कि नहीं किया। अगर नहीं यूज किए हैं तो ही आप उसको रिव्यू में भेजिएगा। अगर आपने यूज नहीं किया है, कोई भी कॉपीराइट यूज नहीं किया है, तो आपकी वीडियो 100% येलो डॉलर से ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो एड सुटेबिलिटी का ऑप्शन है वो हट जाएगा। और सब कुछ चेक करने के बाद जब आप अपनी वीडियो को रिव्यू में भेजेंगे तो यूट्यूब की टीम उस वीडियो का रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक पाई तो येलो डॉलर को हटा के ग्रीन डॉलर में कर देगी और आपके ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे ईमेल पे मैसेज आया है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहां आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि किस प्रकार से YouTube की तरफ से ईमेल आया है और ईमेल आने के बाद उस येलो डॉलर को हमारे ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहां पे हमारे जो वीडियो है उस पे एड आना भी शुरू हो गया है, रेवेन्यू भी बनना शुरू हो गया है और उससे मेरी अर्निंग भी शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखिए यहाँ पे एक वीडियो है मैंने खुद बनाया है, लेकिन उस वीडियो पर एड सुटेबिलिटी का ऑप्शन आ गया है, मतलब कि यहाँ पे देखिए येलो डॉलर आ गया है। जबकि ये वीडियो मैंने खुद बनाया है, इस पे येलो डॉलर नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी आ गया। तो इसको मैं रिव्यू में भेजूंगा। तो इसको रिव्यू में कैसे भेजते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, इन स्क्रीन में भी दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को मैंने रिव्यू में भेज दिया था, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिया था। और रिव्यू में भेजने के बाद देखिए यहाँ पे YouTube की तरफ से एक ईमेल आया कि योर वीडियो इज सुटेबल फॉर ऑल एडवर्टाइजर, मतलब ये आपकी वीडियो सुटेबल है सभी एडवर्टाइजर के लिए, यहाँ पे आपको एड्स दिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, हाय टेक्निकल लड़का, ग्रेट न्यूज, After manually reviewing your video, we have determined that it is suitable for all advertisers. मतलब कि आपकी वीडियो एडवर्टाइज फ्रेंडली है, इसमें एड दिखाया जाएगा, जिस कारण आपका येलो डॉलर यहाँ से हटा के उसको ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिए ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको ईमेल के द्वारा मिल जाता है। उसके बाद देखिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, जैसे ही ये ईमेल आया, ईमेल आने के बाद उस येलो डॉलर को ग्रीन डॉलर में यूट्यूब ने कैसे कन्वर्ट कर दिया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। और दोस्तों देखिए यहां पे यूट्यूब ने वीडियो का मैनुअली रिव्यू करने के बाद देखिए यहां पे येलो डॉलर को हटा के ग्रीन डॉलर लगा दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो अगर आपकी भी किसी वीडियो में येलो डॉलर आ जाता है तो इस प्रकार उसको रिव्यू भेज के उसको ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर के साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।